नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लें और देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए, और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। अभी नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको ही सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, जरा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है, वो करने का इंतजाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, चूँकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे, लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14-14 दिन, तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं। लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीजन के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसके बाद हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। एक बात तो आप ठीक सोच रहे, बात है इसी पर तो गौर किया जा रहा है। अभी तो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चे बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन का और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह भीड़ का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको
आप जानते ही यहाँ जा कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन उसमें भी किसी किसी को हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए, जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है। और एक मीटिंग भी जो कह रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है, बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का, इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की राय हो जाए जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया कि साहब ऐसा है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक, जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे, और स्पेशली उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए।